ओम शांति। मुरली तारीख 7 जुलाई 2023। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अर्थ सहित बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप नाश होंगे। आत्मा पतित से पावन बनेगी। नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की। प्रश्न, मनुष्यों की अर्जी क्या है और बाप उस अर्जी को कैसे पूरा करते हैं? उत्तर, मनुष्य बाप से अर्जी करते हैं, ओ गॉड फादर, हमें पापों से मुक्त करो। ओ रहम दिल बाबा, रहम करो। बाबा सभी की अर्जी सुनकर स्वयं आते हैं और पापों से मुक्त होने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, तुम मुझे याद करो। सिर्फ बाप की महिमा गाने से कोई फायदा नहीं। चरित्र गाने नहीं हैं, लेकिन राजयोग सीख कर चरित्रवान बनना है। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, ड्रामा के चक्र को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। बाप समान रहमदिल बन सभी पर रहम करना है। दूसरी पॉइंट, बाप सचखंड स्थापन कर रहे हैं, इसलिए सच्चा होकर रहना है। बाप की याद से आत्मा को स्विच बनाना है। वरदान, सेवा की भावना द्वारा अमर फल प्राप्त करने वाले सदा माया के रोग से मुक्त भव। जो बच्चे संगम युग पर प्रभु फल, अविनाशी फल, सर्व संबंधों के स्नेह के रस वाला फल खाते हैं, वे सदा ही माया के रोग से मुक्त रहते हैं। और फल तो सतयुग में भी मिलेगा और कलयुग में भी मिलेगा, लेकिन सेवा की भावना का प्रत्यक्ष फल, प्रभु फल, अगर अभी नहीं खाया तो सारे कल्प में नहीं खा सकते। यह फल ईश्वरीय जादू का फल है। जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या, लेकिन हीरा बन जाते हो। यह फल ईश्वरीय जादू का फल है। जिस फल को खाने से लोहे से पारस तो क्या, लेकिन हीरा बन जाते हो। यह फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। यह फल सर्व विघ्नों को समाप्त करने वाला अमर फल है। स्लोगन, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले, निंदक को भी मित्र समझने वाले ही बाप समान हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।